पूरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आज वहाँ दौरे पर गए हुए हैं। पूरी सरकार उस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ खड़ी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी जब सदन में सूचना मिली तो उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की और हम लोग भी उस परिवार के साथ हैं। और जो आज विपक्ष बोल रहा है उस घटना को लेकर, शायद समाजवादी पार्टी को वो दिन भूल गया जब वो 3/1/2023 को माननीय अखिलेश यादव जी ने खुद अपनी आईडी से ट्वीट किया था कि नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। उन्होंने अपनी आईडी से ट्वीट किया है और आज उंगली उठा रहे हैं, तो अब वो उनका विषय है भाई, वो कुछ भी कह सकते हैं, विपक्ष में हैं, लेकिन सरकार की पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है। सरकार पूरी तरह उस पीड़ित परिवार के साथ है जो जिनकी डेथ हुई है और जो हॉस्पिटल में है, सरकार पूरी मदद के लिए तैयार है। एक बड़ा मुद्दा है, हम जन्मदिन में पहुंच जाते हैं लेकिन वहां घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, उसको भी बढ़ाना चाहिए, सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पूरी घटना सरकार और प्रशासन की गलती से हुई है, कैसे देखते हैं? और देखिए, सरकार तुरंत FIR हुआ, उस पर जहां जहां उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे पड़ रहे हैं। जब हमारा मुखिया ही प्रदेश का, जो हमारा मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो वो खुद गए हैं, जब मालिक वहां मौजूद है, तो फिर हम लोगों की वहां कितनी अहमियत है। तो जो हमारा मुखिया गया हुआ है, वहां सारे नजर रखा हुआ है, हमारे पुलिस के बड़े अफसर डीजी से लेके और वहां DIG सब लोग वहां लगे हैं, पूरा प्रशासनिक पूरी सरकार लगी है। तो देखिए, विपक्ष का एक आदत है विपक्ष की कि विरोध करना, और विपक्ष का काम होता है कि जो कमियां हो उसको बताओ कि ये कमी है, इसको सही करो। विपक्ष का ये रोल होना चाहिए, तो अपना उनका विषय वो लोग करें, हम सरकार का अपना काम है, सरकार अपना काम कर रही है। इसके साथ ही ये बात ऊपर हुआ है, बाबा के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, या बाबा इससे पहले कई और चीजों में बहुत सारी बातें बाबा को लेकर के भी सामने की जा रही है। देखिए, कल तक यही विपक्ष जय जयकार मना रहा था उस बाबा की, उनके कार्यक्रमों में जाकर के। आज अगर वो इस बात को कह रहे हैं, तो सरकार ने त्वरित जो वहां के संबंधित अधिकारी पुलिस के अधिकारियों ने जांच की और तत्काल मुकदमा लिख के कार्रवाई कर रहे हैं, और उसमें अगर जो दोषी पाया जाएगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा।